पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। साल 2018 में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद अटल जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली थी। 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषणों से सबको हिलाकर रख दिया। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पूर्व पीएम अटल बिहारी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री समेत कई नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि प्रधानमंत्री ने वीडियो शेयर कर अटल जी को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके उनको याद किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट करने के साथ लिखा, अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत हमेशा उनकी उत्कृष्ट सेवा और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों को याद रखेगा। ये पूरा वीडियो 2 मिनट तक का लगभग है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, भारत रत्न श्रीधर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की प्रखर आवाज थे। वो एक राष्ट्र समर्पित राजनेता होने के साथ साथ कुशल संगठक भी थे, जिन्होंने भाजपा की नींव रखकर उनके विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई और करोड़ों कार्यकर्ताओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वहीं कुछ देर बाद ही सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर धोनी और टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों के साथ एक फोटो शेयर की और लिखा कि आपके साथ खेलना बेहद शानदार रहा माही, दिल से गर्व महसूस करते हुए मैं आपके सफर में आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। शुक्रिया भारत, जय हिंद। सुदीक्षा की मौत मामले में आज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। सूत्रों की माने तो एसआईटी की टीम ने 2 बुलेट सवार युवकों को पकड़ लिया है। बता दें कि सुदीक्षा के परिवार ने छेड़खानी का आरोप लगाया है, लेकिन दोनों आरोपी ने छेड़छाड़ से इनकार कर दिया। आज यूपीपीएससी बीओ प्रीलिम्स का एग्जाम है। 18 जिलों में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। 5,28,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। बता दें कि मास्क, सैनिटाइजर और पानी की बोतल अभ्यर्थियों को साथ लाना है। करीब 6 महीने बाद फिर से माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो चुकी है। रोजाना सिर्फ 2,000 तीर्थयात्री ही शामिल होंगे। बैटरी वाहन, यात्री रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से चलेगी। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते बीते 18 मार्च को वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की धूम विदेशों में भी देखने को मिली। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के साथ अपनी दोस्ती का इजहार करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगों के रंग से रंगा दिया गया। इसके अलावा अबू धाबी के राष्ट्रीय ऑयल कंपनी के टावर को भी तिरंगों से लहराता दिखाया गया। आजादी के 74 साल पूरे हो गए हैं। वहीं देश से मीलों दूर अलग अलग देशों में भी भारत के स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों ने भी अपने तरीके से इसे मनाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा लहराया गया। ये पहली बार है जब यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार जो बाइडेन के प्रचार अभियान में कहा कि उनका प्रशासन भारत अमेरिका संबंधों को लगातार मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देगा। बाइडेन ने कहा कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। ताइवान की सीमा पर चीनी सैनिकों और जंगी जहाजों की बढ़ती तादाद से चिंतित अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को फिर साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है। अमेरिका के इस युद्धपोत ने चीन के करीब स्थित एक द्वीप के पास युद्धाभ्यास भी किया।
मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने कोरोना पीड़ितों के लिए देश में 30 दिन का शोक घोषित किया है। 11 सितंबर तक देश में झंडे आधे झुके रहेंगे, रोज कुछ देर के लिए मौन भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार महामारी से प्रभावित लोगों को पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना जताती है। उन्होंने हेल्थ वर्कर्स का धन्यवाद भी दिया है। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में होने वाली मौतों की संख्या 7 साल में 3 गुना बढ़कर लगभग 3,50,000 हो गई है। एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई। अध्ययन के अनुसार विश्व भर में धुआंरित तंबाकू के प्रयोग से होने वाली बीमारियों के 70% रोगी भारत में है। अध्ययन में ब्रिटेन के यॉर्क विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं समेत अन्य वैज्ञानिक भी शामिल हैं। देश में 25 लाख से ज्यादा हजार के पार कोरोना केस पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 63,490 केस सामने आए। अब तक 49,980 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना का रिकवरी रेट 72% के करीब पहुंच चुका है। कानपुर में निर्माणाधीन मकान में ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल ठेकेदार मानसिक तनाव में चल रहा था। आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और छानबीन करने के बाद सुसाइड नोट बरामद किया गया। बर्रा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। सीतापुर में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। दरअसल जमीनी विवाद के चाचा चाची को भतीजे ने मौत के घाट उतार दिया और खुद को आरोपी भतीजा कोतवाली में सरेंडर कर दिया। पुलिस मामला दर्ज करके आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में कलयोगी बेटे ने पिता की गोली मारकर फरार हो गया। दरअसल पिता ने गलत काम करने से कलयोगी बेटे को रोक रहा था, जो बेटे को पसंद नहीं आया। घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। थाना लिसिटी गेट इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोरखपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया। रेप के बाद लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि 4 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और गैंगरेप के बाद नाबालिग को सिगरेट से जलाया भी गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गोला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। दरअसल यहां तब हड़कंप मच गया जब छत विच्छत हालत में एक नाबालिग लड़की का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि दरिंदों ने पहले लड़की के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी बुरी तरह हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद मृतक लड़की के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। ऐसे में परिजनों ने SP से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल टीम गठित कर पुलिस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा बदमाश भागने में सफल हो गया। आपको बता दें कि घायल बदमाश पर 25,000 का इनाम था। घायल बदमाश को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बदमाश पर अलग अलग मामले में 7 मुकदमे दर्ज हैं। फिरोजाबाद में डबल डेकर बस में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। जिंदा जलने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं घटना में 2 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि बिहार से गुजरात बस जा रही थी। पुलिस ने रेस्क्यू कर यात्रियों की जान बचाई है। यह हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ है। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रेखा आर्या के तालाब से मछलियां चोरी हो गई है। रेखारिया के तालाब में से करीब 30,000 मछलियां चोरी हो गई है। मंत्री के तालाब से मछलियां चोरी होने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। चोरी का आरोप उनके ही पुराने केयरटेकर पर लगा है। पुलिस ने केयरटेकर की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दरअसल रेखा आर्या का ससुराल बरेली में है, जहां इज्जत नगर के लालपुर गांव में उनका फार्म हाउस भी है। वहीं मुर्गा पालन के साथ मछली पालन भी किया जाता है। मेरठ में पुलिस ने हक्का बार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक्सप्रेसो हुक्का बार पर पुलिस ने छापेमारी की और मौके से पुलिस ने 50 लड़कों को शराब पीते पकड़ा है। हुक्का बार मालिक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही थी। थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर की पूरी घटना बताई जा रही है।
हरिद्वार में कई दिनों से गंगा के उफान पर होने से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ की तैयारियों को लेकर सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की सभी तैयारियां पूरी है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग का कंट्रोल रूम 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है। ऋषिकेश में पहाड़ों में हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। लोगों के घरों में सौग नदी का पानी घुस चुका है। 100 बीघा धान की फसल भी बर्बाद हो गई है। आपको बता दें कि एकाएक सौग नदी में बाढ़ आने से ग्रामीणों के कई घंटे खौफ में बीते हैं। ऋषिकेश प्रशासन और पुलिस सौग के बढ़ते पानी को लेकर अलर्ट हो चुकी है। देहरादून में भारी बारिश की वजह से टीएसडीसी कॉलोनी देहरा खास में पानी भर गया। घरों में पानी भरने से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। चंद घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। कार के क्षेत्र में घरों में जलभराव हुआ है। देहरादून में देखते ही देखते चंद सेकंड में बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई। इमारत गिरने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल बताया जा रहा है कि मिट्टी खिसकने से ये हादसा हुआ है। शहीद राजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज देहरादून नहीं आएगा। सेना की यूनिट की तरफ से परिवार को इस बात की जानकारी दी गई है। पाक बॉर्डर पर लापता हुए राजेंद्र का 8 महीने बाद पार्थिव शरीर मिला है। विकासनगर के कालसी थाना में भी कोरोना अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। थाना प्रभारी समेत 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई। सभी पॉजिटिव लोगों को कोविड सेंटर देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया। थाने और आवासीय परिसर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ऋषिकेश में नगर निगम प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। नगर निगम में एक नाले की नवनिर्मित दीवार जमींदोज हो गई। दरअसल बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के किनारे पानी की निकासी के लिए नगर निगम प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही एक नाले का निर्माण शुरू कराया था, जो कि अभी भी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन नाले की दीवार भरभरा कर गिर गई। रामनगर के गुलरघट्टी में आग से जलकर विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने महिला के पति और ससुराल के परिजनों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया है। दरअसल मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वहीं इस मामले में दरोगा का कहना है कि मृतका से शादी के बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। उत्तराखंड में एनआईटी के आगामी सत्र 2020-21 की कक्षाएं कोरोना को देखते हुए श्रीनगर से ही संचालित करने का फैसला लिया गया। बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलनी है, इसलिए संसाधन ने नए सत्र की कक्षाएं एनआईटी जयपुर के बजाय श्रीनगर के अस्थायी परिसर में ही चलाने का निर्णय लिया है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। लोग लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग भी कर रहे हैं। अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने सुशांत के लिए प्रार्थना की और न्याय के लिए यज्ञ भी किया।